अब हम यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देखेंगे तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस लिखी है जैसे मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन उसके बाद रिकॉर्डिंग देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग एनालाइजिंग एंड लास्ट में कम्युनिकेशन सो ये पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है एक मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ये क्या होता है बुक कीपिंग होता है यहाँ पे मतलब इतनी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में लिखते हैं जबकि समेराइजिंग एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन क्या होता है ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है तो इसका एक, एक, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अब हम यहाँ पे इस पे डिफरेंस देखते हैं तो ये जो बुक कीपिंग है ना दिस कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ मतलब इस पे जिसके पास स्किल नहीं है जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है वो बुक कीपिंग कर सकता है वो पूरे रिकॉर्ड्स को लिख के रख सकता है वाइल फॉर द अकाउंटिंग यू नीड स्पेशल स्किल्स एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेशल अबाउट द योर जॉब देट देन ओनली यू विल बी एबल टू डू अकाउंटिंग सो ये एक पहला डिफरेंस है फिर एक दूसरा डिफरेंस आता है कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन ऑन द डेली बेसिस मतलब ये रोज रिकॉर्ड की जाती है रोज कितना ट्रांजेक्शन और सबको रिकॉर्ड करते हैं जबकि अकाउंटिंग को इट इज़ रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर मतलब इसको या तो मंथ के आखिरी में या फिर साल के आखिरी में करते हैं जनरली साल के आखिरी में ही करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग मतलब सबसेट क्या इसका पार्ट है बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सो ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में